Namaste and welcome to this exciting episode, Sathology Debunking Mythology. Yesterday, मैं जब जा रहा था जगह जगह पोस्टर्स लगाने के लिए, मैं खुद ही जाता हूँ क्योंकि उससे मुझे लोगों से कनेक्ट होने का ही मौका मिलता है. तो एक ब्रिटिश अमेरिकन लेडी ने मुझे बोला कि ऑन सथोलॉजी यू शुड राइट साइंस ऑफ ट्रूथ, द स्टडी ऑफ ट्रूथ, क्योंकि दैट इज अ ट्रू एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंग्लिश वर्ड माइथोलॉजी. तो मैं उसको लगाना शुरू करूंगा. तो आज हम लोग चलते हैं विथ प्रोफेसर कुसुम तकेड़िया जी के साथ वापस मध्य एशिया में. ये पार्ट टू है. पार्ट वन आप जब देखेंगे, आपने देखा होगा, उसके बाद ये शो आप जरूर देखिएगा. और इसमें हम भारत और मध्य एशिया के ही साक्ष्य प्रूफ्स के हिसाब से हम बात करेंगे. सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुम दत्ता केडिया जी. वेलकम टू द शो. नमस्कार आपको भी और मुझे सुनने वालों के को भी, जिनके कारण आदित्य जी इतना समय देते हैं जी. तो आप लोगों की जिज्ञासा, रुचि, ज्ञान के प्रति अभीप्सा, सबको प्रणाम. तो अपने लोग जी, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि वो विनम्रता के लिए ऐसा बोलते हैं, उनका ही चैनल है, वो जब मर्जी आए मुझे बुला सकते. चैनल रिकॉर्ड कर ले. तो ये, हाँ बताइए. बोलिए. तो आप जो आपने हमने जो पिछला शो किया था उसमें हम लोगों ने जो साक्ष्य दिए थे वो यूरोपीय साक्ष्य दिए थे. कम्युनिस्ट के राहुल सांकृत्यायन. हाँ, अब हम लोग दे रहे हैं भारत के साक्ष्य. अभी थोड़ा सा मैं इस पुस्तक से 10 मिनट और लूंगी, जो उस दिन छूट गया था, उसके बाद तुरंत बाकी में आ जाऊं. अब जहां तक मुझे याद है, जो मैंने बताया उसके आगे बता रही हूं. उज्बेकिस्तान में, मैं पृष्ठ संख्या 86-87 पर हूं, एक वेधशाला का जिक्र है, ऑब्जर्वेटरी का. ये ऑब्जर्वेटरी वो है जिसमें ज्योतिष की सूची बनाई गई थी, जो अपनी शुद्धता के लिए आज भी आश्चर्य की चीज है. ये कौन इसका संदर्भ दे रहा है? राहुल सांकृत्यायन दे रहा है अपनी पुस्तक. फिर वो कह रहे हैं, एक वहां के प्रोफेसर हैं, रूस के प्रोफेसर कारी नियाजोफ. कारी नियाजोफ अपने भाषण में कहते हैं, मैंने कितने ही पहले के अज्ञात हस्तलिखित ग्रंथों में कुछ ऐसे ग्रंथ देखे जो हिंदुस्तान में लिखे गए थे और हाल में मध्य एशिया के पुराने पुस्तकालयों में मिले. क्यों मिले? एक ही क्षेत्र है भाई, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे नेपाल है, जैसे अफगानिस्तान है, वैसे ही ये संपूर्ण क्षेत्र है. आजकल ये ग्रंथ उज्बेक साइंस अकादमी के प्राच्य हस्तलेख प्रतिष्ठान में रखे हुए हैं. राहुल सांकृत्यायन बता रहा है, इन हस्तलेखों से पता चलता है कि वेधशाला की इमारत ढोल के शक्ल थी और एक विशाल मीनार की तरह सीधी खड़ी थी. मकान कई तले का था, यंत्रों के रखने और ज्योतिषियों के रहने के लिए पास में कई मकान थे. आगे वही रशियन प्रोफेसर कारी नियाजोफ पेज संख्या 87 पर बताते हैं कि इस विशाल वेधशाला के इस विशाल यंत्र का मुख दक्षिण की हो रहा था. इस विशाल सष्टांश यंत्र की सहायता से ज्योतिष संबंधी वेद के बहुत ही शुद्ध आंकड़े सूर्य की गति से प्राप्त किए गए थे. अब इस पूरे मामले का मियां लोगों से, रूस वालों से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ये तो तब बना था. किसने बनाया था? सनातनी हिंदुओं ने बनाया था. क्यों बनाया था? इस पूरे आकाश की या ब्रह्मांड की या एस्ट्रोनॉमी में पता नहीं किन किन ग्रहों की गतियों को देखने समझने के लिए बताया गया था. जल्दी से थोड़ा सा और दो चार चीज बता दूं.
अब हम पेज संख्या 108 109 पर हैं, जिसमें वो किसी बहुत बड़ी खुदाई में बहुत से प्राप्त ग्रंथों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद है वहां इस संग्रह की 1000 अनमोल जिल्दें लाई गई हैं। फिर वो कह रहे हैं चीनी तुर्किस्तान की यह बालिका भूमि थी। अब उज्बेकिस्तान तो चीनी तुर्किस्तान नहीं है, चीनी तुर्किस्तान क्या है, जिसको सिक्योंग कहते हैं। तो ये सारे नॉमेनक्लेचर आज के हैं, 20वीं शताब्दी के हैं। प्राचीन काल में इस भूमि का जो था, अभी हम आपको कई पुस्तकें और दिखाने वाले हैं। चीनी तुर्किस्तान, अब देखिए नाम है तुर्किस्तान, तुर्क स्थान, और जो पहले हम लोगों ने कहा शक स्थान, शाकल द्वीप, अब चीनी आगे लगाना पड़ता है। क्यों? आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल नेशन स्टेट कौन? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी PRC। उसी तरह सोवियत रशिया आर्टिफिशियल इलीगल आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट, तो इसको लिखना पड़ता है सोवियत सेंट्रल एशिया। हम तो नहीं कहते हैं भारत बंगाल, भारत उत्तर प्रदेश, भारत बिहार। अरे वो बिहार बोलने का मतलब भारत है। तो कह रहा है चीनी तुर्किस्तान की यह बालुका भूमि, यानी बालू की भूमि, रेगिस्तान ही थी, जिसने भारत के कितने ही विलुप्त ग्रंथों और बौद्ध ऐतिहासिक चिन्हों को अपने भीतर सुरक्षित रखा। राहुल सांकृत्यायन बौद्ध कह रहा है, अभी हम बताएंगे, वहां सभी सनातन धर्मी देवी देवता अपने भव्यतम ऐश्वर्य के साथ विद्यमान हैं। अब सबसे रिमार्केबल कौन? पक्का कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 109 से मैं बोल रही हूं। पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर तालस्तोफ, तालस्तोफ कौन है? रशियन है। कब हुआ अभियान आर्कियोलॉजिकल सब कम्युनिस्ट एरा में? प्रोफेसर तालस्तोफ के नेतृत्व में कई अभियान खारेज्म की बालुका भूमि में गए। अब खारेज्म कहाँ है ढूंढ के बताएंगे, हम कह रहे हैं सब हमारे शकद्वीप में है। और उनकी खोजों ने साबित कर दिया कि ताम्र युग में खारेज्म और सिंधु घाटी सभ्यता की में घनिष्ठ संबंध है। कहां सेंट्रल एशिया, कहां सिंधु घाटी, आगे कहीं हम छोड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, हड़प्पा मिलेगा, मोहनजोदारो मिलेगा, सबसे घनिष्ठ संबंध है। अरे हमारे पूर्वजों की रंग भूमि है यार, तो समय संबंध क्या हमारा ही क्षेत्र ही है। अब ये बहुत जगह कह रहे हैं कि हम पेज संख्या 110 पर कि हम ये खोज रहे हैं, तो प्राचीन काल के वणिक पथों का भी पता चलेगा ये पुस्तक। और ऐसी बहुत पुस्तक है, गुरुचरण दास की है, छापा किसने है, पेंगविन ने, कारवास, ऐसी ये तो छोटी सी किताब है, ऐसी मोटी मोटी किताबें हैं। क्या है हमारा जो उत्तरापथ है, हमारे जो बड़े बड़े नगर सेठ और कौन कौन सेठ हैं, नगर सेठ, जगत सेठ, समस्त क्षेत्र में वैसे ही चल रहे हैं, जैसे बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, वैसे ही इन सभी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं? अभी कल तक यात्रा कर रहे हैं भाई। अब इस पुस्तक में और बहुत कुछ है, लेकिन अब हम इस पुस्तक को छोड़ रहे हैं, इस वाली पुस्तक को। अब हम एक पुस्तक आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत काम की है, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया अ शेयर्ड पास्ट बाई बीबी कुमार। इसको छापा है कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी ने, पुस्तक आप लोग देख ली थी। तो
इस पुस्तक के अंदर का दो चार चीज पढ़ेंगे, केवल इसका चैप्टर स्कीम हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया लिंक्स एंड इंटरैक्शंस, लैंड एंड पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर, सेंट्रल एशिया द लैंड एंड पीपल, इसमें वर्णन होगा सब भरतवंशी है, लैंड रूट्स लिंकिंग इंडिया सेंट्रल एशिया चाइना एंड द वेस्ट। तो ये लैंड रूट काहे के लिए थे, व्यापार के लिए थे, सेनाओं के जाने के लिए थे, सुखदेव महाराज जी के घूमने के लिए थे, अर्जुन के लिए थे, सुग्रीव जब भेजते हैं उसका सब वर्णन आगे आएगा, माता सीता की खोज के लिए उसके लिए है। सिल्क ट्रेड एंड सिल्क रूट, सिल्क का चीन से एक कतई कोई लेना देना नहीं है, ये कभी चीन पर बात करेंगे तो बताएंगे। नोमैडिज्म इन सेंट्रल एशिया, कौन शक है, जो व्यापारी हैं, जो पशुपालक हैं, जो वीर हैं। रिलीजन एंड कल्ट सिंक्रेटिज्म इन सेंट्रल एशिया, ब्राह्मी खरोस्टी एंड अदर स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस पूरे सेंट्रल एशिया में एक भी चाइनीज स्क्रिप्ट का टुकड़ा नहीं मिला है, जितने स्क्रिप्ट मिले हैं वो मिले हैं जो वहां के लोग बोलते हैं, और वहां के लोग क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, ब्राह्मी बोलते हैं, खरोस्टी बोलते हैं, तो वही मिलेगा। मैनुस्क्रिप्ट फाइंड्स इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में विराट मात्रा में हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट मिले हैं, काहे के भारतीय भाषाओं के, भारतीय ज्ञान के, भारतीय कथाओं के, भारतीय शास्त्रों के। फिर कहता है खरोस्टी डॉक्यूमेंट्स इन झिंगझोंग, झिंगझोंग क्या है, वही जो उइगर वाला है, तो ये झिंगझोंग शायद वही है, सीक्योंग कहीं झिंगझोंग अलग अलग उच्चारण है। इंडिया, इसका 11वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया द लिंग्विस्टिक लिंक्स, भाषा संबंधी एकता, और केवल भाषा की एकता नहीं है, नृत्य की, संगीत की, सिक्कों की, रुपयों की, व्यापार के नियमों की, कपड़ों की, आहार की, आध्यात्मिक धार्मिक मूर्ति बनाने की, शिल्प की, सब एक ही है भाई। फिर ये कहते हैं सेंट्रल एंड एशियन बुद्धिस्ट सेवेंस एनार्की एंड इन द नॉमनेक्लेचर, फिर ये भी चैप्टर बहुत काम का है, अध्याय 13वां, सुनने वाले जो करना चाहें। अभी भी जो नामों के उच्चारण हैं उनमें सभी पुराने नामों का ध्वनि है, जिसको बदलने का प्रयास अभी किया जा रहा है, किंतु इसको रिक्लेम कर लेना खेल है। आदित्य जी आप कुछ बोलिए तो हम कुछ पन्ने अपने ढूंढ लें, मैं अपनी गोद में 5-6 किताब फैला रखी हूँ उसमें से भी पढ़। हाँ जी, मैं दर्शकों को एक मैप दिखाता हूँ यहाँ का, कि ये जो जैसे बार बार जैसे ये शौनक जो 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 उनके धौम्य ऋषि जो है, इनको युधिष्ठिर महाराज को गंधमादन पहाड़ दिखा रहे हैं, और गंधमादन पहाड़ दिखा रहे हैं वो इस एरिया से, वो पूरा उत्तर, मतलब अभी आजकल तो हम लोग ले लद्दाख बोलेंगे, उस जगह से दिखा रहे हैं गंधमादन पहाड़, जो कि ये है आपका, मतलब बद्रीनाथ से दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ से एकदम उनके एकदम ईस्ट में आपको दिखेगा, आपको जोशीमठ, बद्रीनाथ, एकदम ईस्ट में कैलाश, ये कैलाश दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे कैलाश है मेरे, जहाँ पे कर्सर, और फिर उससे बता रहे हैं कि ये कैलाश पहाड़ के उत्तरी दिशा में, फिर यहाँ पे हेमकूट पहाड़ आते हैं, हेमकूट को क्रॉस करके शतशृंग पहाड़ आते हैं, जहाँ पर पांडवों का जन्म है, तो पांडवों का जन्म जो है आता है रियो पुरगिल से थोड़ा सा ऊपर,
इस एरिया में आता है, फिर वहां पे एक इंद्रदुम्न सरोवर बताया जाता है, इंद्रदुम्न सरोवर। फिर आप देखेंगे पूरा मैप से देखेंगे कि गंधमादन पहाड़ों के ऊपर पूरी लेक्स ही लेक्स है, मतलब ये सारी लेक्स दिख रही हैं आपको, मतलब पहाड़ों के ऊपर किसने लेक्स बना दी, क्योंकि ये सारे 10,000 फीट से ऊपर है सबके सब जगह। फिर धौमर ऋषि बोलते हैं कि सारे जगहों को, ये सारे जितने भी आपको लेक्स दिख रही हैं, वो कुबेर ने बनवाई है, यक्षों ने बनवाई है। यहाँ का पॉपुलेशन आज भी बहुत ही कम पॉपुलेशन है, और फिर इसके ये सारे पहाड़ों को गंधमादन बोला जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, आप देख लीजिए पूरा का पूरा तिब्बती भरा पड़ा है गंधमादन। ये जो पूरा क्षेत्र है ये दुर्गम है, मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। तो जहाँ थोड़ी थोड़ी अनुकूलता है वहाँ नन्हे नन्हे सेटलमेंट है, छोटे छोटे गांव रहते हैं। वैस मिल गया मुझे, तो बता दूं। अब ये जो पुस्तक मैंने दिखाया था बीबी कुमार साहब का, इसके पृष्ठ संख्या 10 से मैं बोल रही हूँ। ये कह रहे हैं, द जियोग्राफिकल डिटेल ऑफ द रीजन इज गिवन इन द महाभारत भीष्म पर्व इन डिटेल एंड इन अदर पुराणास आल्सो, मार्कंडेय एंड ब्रह्मांड पुराण डिवाइड वगैरह वगैरह, ये सब आदित्य जी बताएंगे। अब थोड़ा पृष्ठ संख्या 11 पर, ये मैं क्यों बता रही हूं ये भी आपको ध्यान आएगा। सेंट्रल एशियन पीपल इन इंडियन क्लासिक लिटरेचर, सेंट्रल एशियन पीपल इन इंडियन क्लासिक लिटरेचर, ये इसलिए हाँ ये कह रहे हैं, देयर इज न्यूमरस मेंशन ऑफ द पीपल ऑफ द सेंट्रल एशिया इन इंडियन लिटरेचर, स्पेशली इन रामायण महाभारत पुराणास। और इनके नाम क्या है वहां पर, जो अभी भी इनके नाम है, शक, दरद, पहलव, किरात, पारद, आर सेड टू बी क्षत्रियाज ऑफ गुड बर्थ। इट वॉज सजेस्टेड टू इनवाइट शक, पहलव, ऋषि एंड दरद किंग्स इन महाभारत वॉर फ्रॉम पांडव साइड। और बड़ा लंबा लंबा है, पूरों के बारे में है, तुषारों के बारे में है। ये जो तुषार लोग हैं इन्हीं को ये लोग यूशी ट्राइब कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज। ये बताने का मेरा मतलब ये है, अब मैं जा रही हूं, आपको आश्चर्य होगा, यूरोप में एक सीरीज निकली वी द पीपल ऑफ यूरोप। तो कोई भी आप बड़ा हिस्टोरिकल एटलस देखेंगे तो वो बताएंगे कि सेंट्रल एशिया से लोग आते गए और यूरोप बसता चला गया, ये वो बताते हैं। लेकिन सेंट्रल एशिया से आए बस, कौन है क्या है, कई बार कहते हैं मिस्ट्री है, रहस्य के कोहरे में खोया हुआ। ना भैया, तुम लोगों को किन्होंने बसाया, ये हमारे शास्त्रों में विस्तार से लिखा हुआ है। यानी अगर हम सेंट्रल एशिया को ध्यान से देखते हैं तो क्या अर्थ होता है, हम यूरोप के लोगों की आइडेंटिटी बता सकते हैं, सब भरत वंशज हैं, हम इस पूरे क्षेत्र पर अपना ऐतिहासिक दावा डाल सकते हैं लिटरेरी सोर्स से। और ये अति महत्वपूर्ण है, यदि आप लोगों का ध्यान हो कि इस वक्त यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में, यूक्रेन में, अमेरिका में, चीन में जो मारामारी मची हुई है, इस मारामारी में होना क्या है, 19वीं और 20वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स में जो आर्टिफिशियल नेशन स्टेट की बाउंड्री और पॉलिटिकल लाइन आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल और इलीगल ढंग से खींची गई, वो 21वीं शताब्दी में मेल्ट आउट हो रही है, हटाई जा रही है, रब आउट हो रही है। जो मैंने आपको सुनाया था रॉबर्ट कैपलान वाली पुस्तक से, अभी मेरे हाथ में नहीं है वो पुस्तक, जब वो कहता है कि कुणा कुशा महाराज कनिष्क का
जो एम्पायर है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो माइंड बॉगलिंग है, और उसका एक सेंट्रल मैसेज है, और वो सेंट्रल मैसेज ये है कि दीज बाउंड्रीज आर नॉट फाइनल, दीज विल बी रीड्रॉन। तो ये सब बताने का प्रयोजन क्या है? बताने का प्रयोजन है भाई, जब टेबल पर बैठ के बात होगी अगले साल यानी 2025 में या 2026 में या 27 में, 2029 के पहले अवश्य और अवश्य बात होगी, तो हमारे लोगों को पता हो, हमारे वो जो भी लोग डायलॉग करेंगे उनको पता हो कि इस क्षेत्र पर जो हमारा क्लेम है उसको हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास कब से हैं? रामायण से लेकर महाभारत तक हमारे पास, रामायण से लेकर महाभारत तक हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, हमारे पास न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज हैं, हमारे पास आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, शिल्प, इन सब के सोर्सेज हैं जिससे हम अपने हिस्टोरिकल क्लेम डाल सकते हैं। अब जिनको संदर्भ ना पता हो वो ध्यान कीजिए, 2012 में शी जिनपिंग आता है, वो कम्युनिस्ट जो प्रिजन ऑफ नेशंस के बॉस के रूप में, और 2014 में ही शायद लॉन्च कर देता है पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसके पहले कुछ वन बेल्ट वन रोड की बात करता है। तो क्या कहता है? हमारा इस क्षेत्र में हिस्टोरिकल क्लेम है, एक नन्हा टुकड़ा नहीं हुआ क्लेम उसको दे पाया, क्लेम नहीं दे पाया वो एक चीज है। अभी जो ये सिक्योंग को और तिब्बत को क्लेम कर रहा है तो क्या कह रहा है? हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है। तो ये जो हिस्टोरिकल क्लेम का चक्कर है ये हमारे लिए कितना मजबूत कूटनैतिक अस्त्र है, मैं इसकी चर्चा करनी चाह रही हूं। जी आदित्य जी, जी एक्चुअली ये जगह तो the most of these places are they themselves claim to have native cultures, खुद ही के लिए बात करते हैं, they don't claim to have connected with local, जो भी उनका इस्लामिक है उससे connect ही नहीं करते। In fact, वो तो आक्रमणकारी है ना भाई, correct, उन्होंने तो आक्रमण किया। अगर इस, अब तो तरह तरह की बातें आ रही है कि मक्का नाम का ही कोई जगह नहीं है, नहीं है, मोहम्मद नाम के ही कोई व्यक्ति नहीं हुए। अब तो ऐसा ऐसा स्कॉलरशिप सामने आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, लेकिन उस बहस में हम ना भी पढ़े तो क्लेम तो 7वीं शताब्दी का है ना भाई। बिल्कुल। और हम किसकी बात कर रहे हैं? रामायण की और महाभारत की। रामायण 13-17 लाख साल पुराना और महाभारत 5000 साल पुराना कम से कम। जी महाभारत का भी डेट्स रिवाइज हो गया है, 5561 BC तक हो गया है, वो 7500 साल पुराना हो गया। हाँ, क्योंकि मध्वाचार्य ने अपने समय में बोला था 5000 साल पहले हुआ है। अच्छा, तो मध्वाचार्य को कितना समय हो गया? तो मध्वाचार्य तो आदि शंकराचार्य ने 5000 साल पहले बोला था। अच्छा अच्छा, अब मैं तो ये सब जानती नहीं हूँ, जो मोटा पढ़ती हूँ सो बताती हूँ। एक लाइन और मिल गया, वो पढ़ के फिर आपको दे दूं। इसके पेज 20 पर जो और अधिक विस्तार से बताएंगे आदित्य जी, चर्चा है द जियोग्राफी ऑफ द पुराणास बाई SM Ali, एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया बाई कनिंघम, एडिटेड नहीं एक तो ये हो गया, एक एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया एडिटेड बाई S Majumdar शास्त्री, कोई NL Days का द जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एंशियंट एंड मिडीवल इंडिया, और DC सरकार का कॉस्मोग्राफी एंड जियोग्राफी इन अर्ली इंडियन लिटरेचर। तो ये सारा सार बताने का जरूरत है कि नेहरू गांधी एंड कंपनी ने विराट भारत को जो यूं ही अनाथ छोड़ दिया, उसको अनाथ छोड़े जाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब तक प्राकृतिक सीमाओं के अंदर कोई देश और राष्ट्र नहीं होता है
उसके निवासी सुख से नहीं रह पाए। जी आदित्य जी, अब आप बताइए। एक्चुअली क्या है कि ये जो जो पूरा मैप है, इसमें अगर आप मैप देखें, इसका मैप देखें पूरा, तो ये जो मैप है उसमें ये जो सेंट्रल जगह जो दिख रही है आप बीच में स्क्रीन के बीच में, ये जो जगह है इसमें इतने सारे जो लोकल वोल्गा नदी के बारे में मैंने बात किया। फिर एक शो आया था हमारे शो पे आभास मलदैयार का, और व्यूअर्स उसको देख सकते हैं, उसमें उसने बात करी थी पेट्रा के बारे में। तो पेट्रा अलग जगह है, और जहां पे ग्रीन, और वहां पे तो मैंने उस पर एक पैथोलॉजी का एक ट्वीट है उसपे प्रूव किया है उसके अंदर हम लोगों ने कि वो जगह जो थी वो वैदिक जगह है, वहां पे हिंदू सनातन मंदिर है, और एक वहीं पे उसके हाँ उसके पूर्वी दक्षिणी दिशा में एक जगह है द्रुमकुल, जिसका वर्णन रामायण में आता है, और उस जगह का नाम आज भी द्रुमा ही है। और वहां पे वो तिग्रिस नदी के तरफ आता है, त्रिग्रीस नदी के ट्रायंगल पे आता है, और वहां पर जो है रामायण के मतलब एक पिक्चर मिलती, पेंटिंग मिलती है, रॉक रिलीफ कहे जिसको अरेबिक लोग बहुत कंटेस्ट करते हैं। उसमें एक व्यक्ति धनुष बाण लेके चल रहा है, उसके साथ एक महिला है, उसके साथ एक व्यक्ति है, और उसके पीछे एक वानर है। तो ये तो रामायण की कथा, राम लक्ष्मण सीता, तो वो भी मिलता है रिलिक। तो कजाकिस्तान के लोग अपने आप को बोलते हैं कि वो किसी और के वंशज हैं जो दक्षिण से आए, हाँ। वो प्रूफ मिलता है वहां पे रामायण का। आप कंटिन्यू करिए जी। अब देखिए मेरे हाथ में एक और पुस्तक जो कारवा हम बता रहे थे, हाँ। गुरुचरण दास की, अब इनका अध्याय 4 इंडियन मर्चेंट्स इन सेंट्रल एशिया, पढ़ नहीं रही हूं मैं कब तक, और उसका सब टाइटल है पंजाबी खत्री मर्चेंट्स ऑन द सिल्क रोड। और केवल पंजाबी खत्री नहीं है, मैं जहां की हूं राजस्थान की, मारवाड़ी मर्चेंट्स इन मध्य एशिया, वहां की जो फोटोग्राफ आई है जो महिलाओं की, ट्रेडर्स की जो के साथ की जो स्त्रियां हैं, वो सब वो गहना, वो बोरला, वो नथ, वो चूड़ी, ये हाथ वाला सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे मेरी दादी चाची माँ भी कई बार पहनती थी शादी ब्याह में। तो ये कोई पुरानी बात मैं नहीं बता रही हूं, 19th-20th century तक यहां पर भारतीय ट्रेडर्स का बोलबाला है विस्तार से, ये और इसके जैसी 2500 किताब। अब दो एक किताब हम आपको और बता रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ तमिल मर्चेंट्स, केवल भारत के व्यापारियों का अगर डिटेल निकाल लिया जाए तो मिल जाएगा कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है वंश लेखकों का, तो जो ऊपर वाले भारत के उत्तर वाले जो वंश लेखक हैं, अगर उनके कागजों को खंगाला जाए तो मिलेगा कौन कौन किस क्षेत्र का वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, किसके घर कितना बेटा कितनी बेटी कितने भाई, उसका कितना नाती पोता, एक एक परिवार का एक एक डिटेल मिलेगा। अच्छा एक चीज बस और दिखा रही हूं, इसका वो जो पेपर कवर है वो नहीं है, ये पुस्तक है, इतनी मोटी मेरे को दो हाथ से उठाने में मुश्किल पड़ रही है, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर। सुनने वालों को आश्चर्य होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एकनाथ रानाडे जी ने 1970 में इस पुस्तक को छपवाया विवेकानंद केंद्र प्रकाशन का, और इसमें पूरे विश्व में, और अभी हम जहां सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं तो इसका अध्यायों का नंबर नहीं दिया है, प्री हिस्टोरिक इंडियन कल्चर्स इन सोवियत सेंट्रल एशिया, एसपी गुप्ता, पृष्ठ संख्या 239 से 249 वाला अध्याय आगे।
ऑन द रोल ऑफ सेंट्रल एशिया इन द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये लिखने वाले कौन है? फिनलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के लेखक पेंटी आल्टो, जो भी उच्चारण होगा इसका, विचित्र विचित्र तो इनके उच्चारण है। अब इसके बाद कुछ अध्यायों का नाम पढ़ रही हूं मैं। इंडिया एंड सोवियत सेंट्रल एशिया। सोवियत सेंट्रल एशिया क्यों हो गया भाई? 50 साल के लिए 1850 के बाद तुमने आइसोलेटेड नन्हे नन्हे जगहों पर छापा मारा, उसको अपने कब्जे में लिया, तो ये सोवियत सेंट्रल एशिया हो गया। नाम बता रहा है आर्बिट्रेरी है, आर्टिफिशियल है, इलीगल है, और अब तो बाहर हो गया है। इसके लिखने वाले हैं उस समय 1970 में यूएसएसआर के ताजिकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री दुशांबे के बीए लिटविंस्की। फिर एक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर इन द खरोस्टी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चाइनीज तुर्किस्तान, आरसी अग्रवाला। फिर है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है हिंदू डीटीज इन सेंट्रल एशिया। भगवान विष्णु, शिव, जगदम्बा, भगवती, गंगा, स्वर्ग से अवतरण करती हुई गंगा जी, फिर सरस्वती देवी, फिर गणेश जी तो भरे हुए हैं, हनुमान जी, सब। इंडिया अ मेजर सोर्स ऑफ सेंट्रल एशियन आर्ट, छाया भट्टाचार्य, ये नेशनल म्यूजियम की है, पृष्ठ संख्या 289। एक चीज बस और दिखा के हम बंद कर रहे हैं। बुद्धिस्ट बुद्धिज्म एमंग द टर्क्स ऑफ सेंट्रल एशिया, किस हिसाब से इस्लामिक है, किस हिसाब से ये रशियन है, किस हिसाब से ये चाइनीज है, और इसमें जो अपने अन्य देवी देवताओं और भगवान की बात कर रही हूं उनका तो फ्रंट पेज पर नहीं है। तो सारा कहने का सार ये है कि हमको ये जानना चाहिए कि ये समस्त क्षेत्र हमारे पूर्वजों का है, हमारा है। यहाँ जो रह रहे हैं वो हमारे भाई बंद है। भारत राज्य को सनातन धर्म के अनुसार जो राजसूई की कल्पना है, जो चक्रवर्ती सम्राट की कल्पना है, उसके अनुसार इस समस्त क्षेत्र के लोगों को इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेट करने का मतलब आक्रमण करना, कब्जा करना नहीं है। एक बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, कूटनैतिक संबंधों में उसी प्रकार से शुरू में करना चाहिए जैसे यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन है, जैसे नाटो है, जैसे वारसा पैक्ट था, वैसे समस्त जम्बू द्वीप, समस्त भरत भूमि भरतवंशियों के लिए एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए। मेरा यही निवेदन और कहना है। मैं इस विषय की एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उससे जो मैंने समझा वो मुझे बताना आवश्यक लगा। एक्चुअली पुराणों में बहुत सारे प्रूफ्स हैं, और भी ज्यादा प्रूफ हैं। और हाँ, मेरा रिसर्च ओरिजिनल है, मैं किसी और को रेफर नहीं किया है। आपका तो ओरिजिनल एटलस में कितना विस्तार से दिया है आपने। वस्तुतः इस बोलने इस विषय के अधिकारी विद्वान आप हैं। मैं तो अपनी बात पहले चली आई। जी जी, मैंने किसी भी इंडियन ऑथर को रेफरेंस नहीं दिया है, फॉर द रीजन क्योंकि मुझे एक परंपरा का भी व्यू पॉइंट सामने रखना था। परंपरा का वही तो असली है, क्योंकि इतने सारे हमारे ऋषि मुनि वहां से आए हैं और परंपराओं में तो साफ तरह लिखा गया है सुखदेव गोस्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, मेरु पर्वत पे हुआ। मतलब भारत तो वो जगह तो शुरू से भारत ही है और आज भी उसका नाम वहीं पे है, जेंगुसु चोकुशु, मतलब जहां से आपको दुनिया का मध्य दिखाई देता है, तो उसी के ऊपर ध्रुव तारा जाके देखें
तो आपको लगेगा कि वो उसी पर्वत के ऊपर है जो हमको दिखता है उत्तरी दिशा में। जैसे अमेरिका से हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है मेरे इधर ध्रुव तारा, अभी भी रहेगा और पूरा दिन रहेगा वो, रात में भी दिखेगा वो, रात में दिखता है दिन में दिखता नहीं है। और उसका डायरेक्शन मैं चेक कर रहा था एग्जैक्टली फ्लाइट मैप पे, उसको फ्लाइट मैप से वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसके दूसरी तरफ क्या है और सूर्य का मूवमेंट देखना पड़ेगा। तो तीनों जगह से वो जगह सेंट्रल एशिया वहीं बैठती है जाके। अच्छा अच्छा फ्लाइट पाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वे टू चेक ऑल्सो, क्योंकि फ्लाइट पाथ वो गड़बड़ी नहीं करते, क्योंकि उनको फ्लाइट प्लेन सीधा उड़ाना है, वो कर्व के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो प्लेन को सीधा उड़ाना है। तो बहुत सारा एक जैसे आप ऑब्जर्वेटरीज आप बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेटरी कजाकिस्तान में है, किर्गिस्तान में है, वो सारी ऑब्जर्वेटरीज में आपको दिखेगा कि वहां पे तारे नहीं दिखते हैं, कहीं कहीं जगह पे तारे नहीं दिखते हैं रात में। तो आपको तारे तो वही नहीं, जैसे कोई पहिया चल रहा है तो जो बीच का जो व्हील होगा उसके स्पोक्स आपको आउटर रिम नहीं दिखाई दे, सो ऐसी बहुत सारी जगह है वहां पे। बट दर्शकों के लिए और इस पे आप रिसर्च करिए, और ये जो बुक्स दिखाई हैं उन्होंने कुसुमदास जी ने, उनको पढ़िए, देखिए उसको, और साथ में भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को कि यूज दिस इंफॉर्मेशन, नया डिप्लोमेसी शुरू करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इंपॉर्टेंट चीज बता दें, चीन ने भारत को 7000 साल से कर नहीं दिया है, तो वो भी देना चाहिए शर्त, पहले दिया है केवल 60 साल से, 60 ईयर से टैक्स नहीं दिया, वो सब हम लोग को ले लेना चाहिए भाई। और टैक्स के बदले में हम लोग अच्छे, हां 7000 साल से कर नहीं दिया है, नहीं नहीं मांचू एम्पायर के समय ट्रिब्यूट आता था, क्या बात कर रहे हो, 1931 तक आया है। अरे वाह, अरे वाह, 1931 तक आया भाई। जी जी, तो मतलब आज का एपिसोड छोटा है लेकिन काम का है, काम का है, 90 साल से कर नहीं दिया, 90 साल। हाँ चलिए, अब सी जिनपिंग के जाते ही सब सही हो रहा है, चला गया कि नहीं गया, अभी तक गया कि नहीं, ऑफिशियल सूचना आनी बाकी है। अरे वाह जी, चलिए दर्शकों इसको जम के लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए, और इसका पहला वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ, थैंक यू वेरी मच।